नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब पर। यार पर बात करते हैं, जो साथी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डेट आ चुकी है 18 मार्च दे रखी है, लगभग 5 महीने का समय है। और कई साथी ऐसे भी हैं जिनके 160 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन उनको स्टेनो नहीं आती है बिल्कुल भी। अब कई इन्होंने वीडियो भी देखे हैं यूट्यूब पे, तो सबने अलग अलग बताए कि उन्हें बताया नहीं साहब 5 महीने आप नहीं सीख सकते। कई उन्हें क्या बताया कि नहीं साहब बहुत हार्ड होती है, उसमें 100 की स्पीड चाहिए, वो चाहिए। उसी को लेके बात करते हैं, जिनके 150 प्लस नंबर है या 150 नंबर है, उन्हीं साथियों के लिए वीडियो रहेगा कि सीखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना समय लगता है इसके अंदर, उसी को लेके। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिनके 160 प्लस नंबर है, 150 प्लस नंबर है, उनको स्टेनो सीखने चाहिए। अब आप बोलोगे साहब क्यों सीखनी चाहिए, जब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, हम 100 तक किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते, तो हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आपकी बात ये सही है कि साहब सिलेक्शन नहीं होगा आपका, लेकिन एक चीज़ आप सोच के देखना, ये जो स्टेनो है ना, इसके अंदर कितना कंपटीशन है औरों के बजाय, ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा यही आवाज आएगी, यही है कि साहब कम है, इसके अंदर वैकेंसी है, इसकी लगभग आती रहती है। अभी जैसे आगे जो है हाईकोर्ट में आने वाली है, इंडिया लेवल पर एम्स में, स्टेट वो रेलवे में, एसएससी में, सब में आती है, सिलेबस है लगभग सेम सा रहता है, तो कंपटीशन भी कम है। और इसलिए कम है तो इसमें आपको सीखनी चाहिए। अब दूसरी बात है कि आप सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्यों सीखे। ठीक है, आपके 160 नंबर आ रहे हैं, आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप जो है ये चीज़ सोच के देखना, 160 नंबर आ रहे हैं तो तैयारी तो आपकी लगभग बढ़िया है, ये चीज मानते हो आप। जब रिटर्न की तैयारी बढ़िया है तो स्किल सीखने में क्या जा रहा है, आप शुरू में जाओगे सीखने जाओगे तो आपको सब लोग यही मिलेंगे कि यार अब सीख रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सब गिराने वाले बोलेंगे, डिमोटिवेट वाले बोलेंगे, हाँ ठीक है नहीं होगा, सब यही बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहना मतलब मेरा ये है कि आप जो ये स्किल सीख लोगे ना, धीरे धीरे 6 महीने या 5 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। अगर आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो तो पीछे घूम के देखोगे ना कि यार कितना समय हो चुका है, पर वो कितना समय निकल चुका है इसी चक्कर में कि यार अब लगेगी जॉब, अब लगेगी, अब लगेगी जॉब, और अपने पास जो है सिर्फ वो सिर्फ एक ही तैयारी कर रहे हैं, ना अपने पास कोई स्किल है ना कुछ और है। ये स्किल है, इसमें कई चीजें हैं साहब, एक तो कंपटीशन कम है, आप सीख सकते हो तो किसी और को भी सिखा सकते हो, ये भी चीजें होती है। और 6 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, मान लिया आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 5 महीने में इस वजह से आप सीख तो लोगे आप चीजें। मान लो 5 महीने में ये है कि शुरुआत आप करने जाओगे तो 2 से 2.5 महीने तक तो आपको वही सिखाएंगे, कैसे करें वही सिखाएंगे साहब, और वो इतने सिखाएंगे वही चलते रहेंगे, तो इसी वजह से 10-15 दिन या 20 दिन में तो ये दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या है। फिर 20-25 दिन बाद धीरे धीरे फ्लो बनता है इस चीज़ का, फिर वो धीरे धीरे रूटीन शब्द बनना स्टार्ट होते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आने लगता है। और 3 महीने तक तो बेसिक चीज़ें क्लियर होती है, फिर स्पीड चालू होती है। ये चीज़ें जो होती है प्रैक्टिस पे होती है, 6 महीने तक लगभग 70-80 तक स्पीड जा सकती है। टाइम पे होती है कि आप 5 घंटे कर रहे हो या 10 घंटे कर रहे हो, उस हिसाब से जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतने दिनों की संख्या कम हो जाती है। तो यह है कि सीख लोगे ना तो व्यर्थ नहीं जाएगी कभी जिंदगी के अंदर। अपन सरकारी नौकरी का एम है, ये फिक्स थोड़ी है। आप जैसे इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे लेकिन इतने नंबर आए गए, आज आपको लग रहा है स्टेनो होती तो मैं इसमें बढ़िया कर लेते ना, ये होता है। तो इसलिए कहना मतलब ये है कि आपको स्टेनो सीख लोगे तो एक चीज और हो जाएगी हाथ में कि नहीं यार मैं ये रिटर्न की तैयारी बढ़िया है तो ये स्किल हो जाएगी। सब यही बोलेंगे कि यार 5 महीने कुछ भी नहीं सीखते यार, कि आपको ये बोलो मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है, मुझे आगे के लिए तैयारी करनी है, मैं इस दबाव की वजह से इसको सीख तो लूंगा कम से कम। और एक चीज बताओ, आपके 160 प्लस नंबर आ रहे हैं तो स्पीड आपकी जो पढ़ने की है वो लगभग पढ़ तो रखा है आपने, अब उसको आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, 160 से 170 जा सकते हो, उसके लिए आप 10 घंटे थोड़ी पढ़ोगे, आपको रिवाइज करना है बार 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 बार, तो रिवाइज कम कर लेना, उधर स्टेनो में टाइम दे देना, यही तो है। टाइम लगता है अपन को, जब आपके नंबर है 120 को 150 में ले जाने में, तब आप टाइम ज्यादा देना। आप 150 प्लस नंबर आ रहे हैं, 160 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिटर्न की, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिंदी इंग्लिश आपकी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग। अब इसको उतना टाइम नहीं देना जितना आपको कि नहीं साहब हमें तो 160 200 नंबर तक लाना है, 200 तक किसी के भी नहीं आएंगे। इसको जो 160 नंबर है इसको मेंटेन रखना है, मेंटेन कैसे सर, थोड़ा रिवाइज करना है बार बार। रिवाइज करने के लिए 10-10 घंटे जरूरत थोड़ी पड़ती है, अपन जैसे राजस्थान जी के रखते हैं तो उतना तो आपको टाइम देना ही नहीं। अब आप
उसमें टाइम कम दोगे अगर स्टेनो नहीं सीखने जाते हो। ज्यादातर ये होता है साहब, मोबाइल पर ये वीडियो देख लिया, वो देख लिया, सोशल मीडिया पर वो है इंस्टा चलाना, वो चलाना, उसमें वो टाइम आप अगर उधर स्टेनो में जाओगे, बिजी रहोगे, तो 2-3 घंटे तो कम निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जो मोबाइल चलानी हैबिट है वो कम हो जाएगी, उधर एक चीज और सीख लोगे और एक चीज आपके सामने, एक रास्ता और खुल जाएगा। साहब स्टेनो के लिए इसमें तैयार नहीं हुए ना, तो आगे जो वैकेंसी आएगी उसके लिए तैयार हो जाओगे, और इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है। मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि अपने पास में चीजें अब जो है, जो कंप्यूटर इतना टफ हो चुका है, आपको मल्टी लेवल होना पड़ेगा, आपको हर फील्ड के अंदर नॉलेज होना, हर चीज, जैसे टाइपिंग आना, स्टेनो आना, सब जो है जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, तमाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब आनी चाहिए, तब जाके काम होगा। वरना एक चीजों के पीछे आप बैठे रहोगे ना, तो काम नहीं चलने वाला ये चीज। इसलिए आपको स्टेनो सीखनी चाहिए। 5 महीने नहीं आती है कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ तो रहना कि 6 महीने बाद मैं इतना तो सीख जाऊंगा कि अगली जो भर्ती आएगी ना उसके लिए स्टेनो भी तैयार रहेगी। और जो ये 2-3-4 घंटे का टाइम है ना मोबाइल पर ऐसे वेस्ट करते हैं अपन, क्योंकि आपको आता है 160+ नंबर आ रहे हैं, आप बताते हो किसी से कि साहब 160 नंबर आ रहे हैं, तो यार 160 नंबर आ रहे हैं तो तैयारी बहुत बढ़िया है, बाकी टाइम लाइब्रेरी में जाके ये वीडियो देख लिया, वो देख लिया, ये के लिए इससे बढ़िया है, है ना, आस पास में स्टेनो की है तो स्टेनो जाओ, वहाँ जाओ। बाकी स्टेनो में जाते ही सबसे पहले यही होगा, अब सीखने आए हो तो वो टीचर भी यही बोलेगा सिलेक्शन नहीं होगा आपका, इसलिए उसको बोले कि सिलेक्शन लेना ही नहीं है मेरे को, मैं तो सीखने आया हूँ, मैं आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इसमें भी कोशिश करूंगा मैं, आप मुझे चलाओ, मैं चलने लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें भी लेना है। वो हो सकता है कि इसमें भी आप 5 महीने में ले सकते हो, मुश्किल बहुत है, लोग आप बोलेंगे, मुझे भी कमेंट करके बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं यार तेरे हो क्या होता, कोई इतना आसान थोड़ी भाई साहब, जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम, कौन सा काम है जो इतना आसान लग रहा है आपको, कोई भी आज काम आसान नहीं है, अपनी जगह सब में एफर्ट लगाने पड़ते हैं। किसी भी वैकेंसी ले लो, 4th ग्रेड चपरासी की वैकेंसी आई है, उसमें क्या मानते हो आप, सब ऐसे ही लगेगा, उसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा ही कंपटीशन उसमें होता है, जिसमें ज्यादा पोस्ट होते हैं उसमें ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसमें पोस्ट कम आती है उनमें कंपटीशन कम होता है, ये चीज आप समझना। वीडियो सही लगाओ तो शेयर जरूर करना मेरे साथियों के साथ, जो इस चीज को समझते हैं कि नहीं यार स्किल अपने साथ एक चीज और हो जाएगी तो उसको सीखना चाहिए साथियों। बाकी मुश्किल है लेकिन इतने खटे वो नहीं है, नामुमकिन नहीं है, खटे तो हर चीज ही है आज के टाइम पे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो वो आपको लग रहा हो, लेकिन मैं बना रहा हूँ उसके लिए कितनी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है शुरुआत के अंदर, अब जाके देते हैं फॉलो बनाए, शुरू में डर लगता था, तो इजी तो कुछ नहीं है, ऐसे लगता है अपन को कि नहीं यार मुझे ही पता है कि ठीक है स्टेनो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतनी नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।